हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टेट दो तो प्यारे साथियों जो 2013 में हुआ था यूपी टेट का पेपर आज इस वीडियो लेक्चर में 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्यारे साथियों यूपी टेट में इक्यानवे से शुरू होता है लेकिन इसमें हम एक से शुरू करते हैं केवल आपको तीस प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी जो 2013 में आया था तो प्यारे साथियों आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं तो प्यारे साथियों समीकरण दो पे पावर यक्स प्लस फाइव इक्वल टू दो पे पावर एक प्लस तीन प्लस बारह में यक्स का मान है तो प्यारे साथियों इस ऐसे अगर प्रश्न आते हैं यूपी टेड परीक्षा में तो आप यू चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे तो पहला रूल अल्टरनेट मेथड यानी कि विकल्प के द्वारा हम सॉल्व करेंगे तो प्यारे साथियों अगर सपोर्ट सपोर्टेड कीजिए विकल्प ए सही है क्या है विकल्प भी, ए सही होता तो एक, ए के मतलब मान क्या रखेंगे यक्स का मान क्या रखेंगे माइनस एक, एक रखेंगे पहले रखिए तो क्या लिखेंगे देखिए सॉल्व करने लिखे का दो पे माइनस एक प्लस पाँच बराबर दो पे माइनस एक प्लस तीन प्लस क्या बारह देखिए प्यारे पैर यक्ष का मान बोला क्या होगा तो मान लीजिए कि विकल्प एक एक सही है पहला सही है तो यानी कि यक्ष के जगह माइनस एक का मान रखिए पुट कीजिए अगर यल बराबर आर यक्ष आस आ गया यानी दोनों पक्ष आपस में समान आ गया तो विकल्प हमारा क्या पहला सही हो जाएगा नहीं आएगा तो अगला पकड़ेंगे अल्टरनेट मेथड इसको बोलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा दो पे पावर माइनस एक प्लस पाँच तो माइनस एक प्लस पाँच यानी कितना हो जाएगा हो जाएगा पैर छात्र चार हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाए दो अब माइनस एक प्लस तीन यानी कि कितना दो अब प्लस कितना हो जाएगा बारह दो पे पावर चार तो दो पे पावर चार का मान कितना है तो दो का गुणा चार बार करना तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह देखिए दो का गुणा चार बार तो करिए दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह तो यहाँ पे सोलह हो जाएगा अब बराबर दो पे पाँच दो का मतलब कितना चार प्लस बारह तो देखिए सोलह बराबर सोलह यानी कि ये बराबर आर एच एस आ गया इसके अनुसार हम विकल्प एक माइनस मानी विकल्प ए जो माइनस एक है वह यक्ष का मान हो जाएगा यह रहा साथियों विकल्प से एकदम आराम से यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे लेकिन अगर आप कहिएगा अगर विकल्प न रहे तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए सेकेंड रूल से भी इसको हम बताते हैं अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी सवाल को हम दूसरे रियल से बताते हैं मतलब आप विकल्प से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व होगा तो आइए हम उससे सीखते हैं तो प्यारे साथियों अगर आप इसको विकल्प का सहारा लेकर नहीं लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कंसेप्ट देखिए क्या करेंगे इसको कैसे साल्व करेंगे देखिए दो पे पावर यक्स प्लस पाँच है ना दो पे है क्या यक्स प्लस पाँच पावर के रूप में बराबर दो पे क्या यक्स प्लस तीन प्लस कितना है बारह पे है ऐसे तो है तो ध्यान देंगे थोड़ा घातांक करड़ी का रूल लगाएंगे तो प्यारे साथियों क्या होता है दो पे देखिए दो पे यक्स प्लस पाँच है ना इसको लिख क्या सकते हैं लिख सकते हैं दो पे यक्स और दो पे कितना पाँच लिख सकते हैं बताइए इतनी बात समझ में आएंगे आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए पता यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देते हैं अगर ए पे पावर यन और गूड़े ए पे पावर यम होता है तो इसको लिख सकते हैं ए पे यन प्लस यम आधार समान है तो पावर जुट जाता है देखिए आधार समान है कि नहीं है अब का कंडीशन हो किसका कंडीशन हो गुड़ा के गुड़ा के कंडीशन में अगर आधार समान है तो पावर को जोड़ लेते हैं बात समझ में नहीं है, वही तोड़ के इसको बना दिए हम बराबर इसको भी क्या कर सकते हैं से तो थोड़ा तो तो गौर करेंगे दो पे पावर कितना तो दो पे पावर यक्स गुड़े, दो पे पावर कितना तीन प्लस कितना हो जाएगा बारह जो करते लिख देंगे बताइए कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है का यहाँ तक नहीं है साथियों यही लगा है आपको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए कोई भी अगर तकलीफ होती तो बता दीजिए अब देखिए दो पे पावर पाँच का मतलब का दो पे पावर पाँच का मतलब यह हुआ कि का गुणा पार पार गुणा पार पार दो का गुणा तो तो दो दो का बार कराना कराना में नहीं हो जाएगा कितना प्यार साथियों बत्तीस बराबर दो पे पावर यक्स गुड़े दो पे पावर तीन है तो दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा आप प्लस बारह जो कहते हो करते लिख लीजिए अब चलिए इसको यानी इन इसको इधर पक्षांतर करके लेके चले जाइए क्या दिक्कत है लेके चले आएंगे नहीं लगे आएंगे लाइए तो दो पे पावर यक्स गुड़े कितना बत्तीस माइनस दो पे पावर यक्स गुड़े आठ और बराबर क्या बचेगा इधर केवल बारह बचेगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं। पक है पक्षांतर का नियम जानते हैं आप प्लस वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस वाला आएगा तो प्लस हो जाएगा बस यही रूल है तो दो पे पावर दो पे पावर एक कामन है कि नहीं कामन है तो कामन कर लीजिए दो पावर एक्स तो क्या बचेगा बत्तीस माइनस आठ बराबर कितना बार तो कितना देगा दो पे पावर अब जान दीजिएगा यहाँ पे ब्रेकेट ना लगाइए है ना अब यहाँ पे हो जाएगा गुड़ा अब बत्तीस में से आठ गया कितना हो जाएगा अब बताइए बत्तीस में आठ गया हो जाएगा चौबीस बराबर कितना बारह है बारह को जो करते हो लिख देंगे आइए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है ना समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है अब यहाँ पे दो पे पावर यक्स घूड़े चौबीस है ना अब चौबीस को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुड़ा का कंडीशन है गुड़ा का संबंध है तो गुड़ा वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा बट्टा यानी हो जाएगा दो पे पावर यक्स बराबर बारह बट्टा चौबीस बारह इक्का बारह बारह दूनी चौबीस तो दो पे पावर यक्स बराबर एक बटा दो कितना एक बटा दो तो देखिए अब यहाँ पे रूल एक और आपको समझना होगा कि अगर एक बटे ए पे पावर एन है अगर एक बटे ए पे पावर यन है अब ए पे पावर एन ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हो जाएगा ए पे पावर माइनस यन ए पे पावर क्या हो जाएगा माइनस वन तो देखिए दो पे को पावर नहीं घात नहीं है तो एक छिपा हुआ होता है अब इसको ऊपर में यहाँ पे देखिए इसको एक हम इसके पावर के रूप में दिखा सकते हैं दो पे पावर वन का मतलब क्या हुआ हुआ तो एक छिपा हुआ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए दो पे पावर यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा दो पे पावर माइनस एक माइनस एक्स करें दो पे पावर माइनस एक हो जाएगा अब देखिए घातों का तुलना करा दीजिए आधार से कोनो मतलब नहीं है ए आधार से कोनो मतलब नहीं है एक बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा प्यारे जातियों अगर इस तरह से चाहें तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं यानी विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अगर प्यारे जातियों हम तो कहेंगे इस सवाल को ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप विकल्प का सहारा लेके चारों विकल्प को जल्दी जल्दी मतलब रख दीजिए उसमें ए एल एच एस आर एच एस के बराबर तो हमारा वही विकल्प सही हो जाएगा अन्यथा इस प्रकार से लगाएंगे तो कभी फंस भी जाएंगे प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है प्यारे साथियों अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अब आइए प्यारे साथियों हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 2013 का जो पेपर है टेट का अब उसका ये पहला सवाल है अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर दो क्या है यदि व्यंजक यक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक प्लस ए स्क्वायर को एक प्लस ए से भाग दिया जा, जाए तो चार शेष बचता है तो एक का मान ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों या शेष पर प्रमेय पर आधारित है पहले प्रश्न का मतलब समझ लीजिए सेंस समझ लीजिए अगर प्रश्न का सेंस समझ लेते हैं कि आपको क्या कह रहा है आपको जाना कहा है आपको मंजिल अगर पता चल जाती है प्यारे साथियों तो रास्ता खुद बना लेते हैं ना क्यों बात समझ में आएंगे यहाँ क्या करें तो प्रश्न का नेचर समझिए क्या कहता है क्या चाहते थोड़ा थो थो यहाँ पर समझा देते हैं कह रहा है कि अगर आप यक्स स्क्वायर माइनस टू ए यक्स प्लस ए स्क्वायर को अगर आप भाग देते हैं किससे से यक्स प्लस ए से समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। भाग देते हैं तो भागफल कितना बचता है वो नहीं पता है लेकिन एक बात आपको क्लियर है कि शेष बचता है कितना चार ये तो पक्का शोर है इस प्रश्न में दिया है शेष फल कितना बचता है चार बच्चा तो कह रहा कि ए का मान ज्ञात कीजिए बात समझ में आग नहीं है यानी कि भाग दिया यक्स प्लस ए तो शेष बच्चा चार तो हमको ए का मान ज्ञात करना है तो ऐसे प्रश्न प्यारे साथियों शेषफल प्रमे पर आधारित होते हैं शेषफल प्रमे का सवाल आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं प्यारे साथी हो भागक क्या है यक्स प्लस ए तो देखिए यक्स प्लस ए बराबर क्या मान लेते हैं जीरो तो यक्स बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा माइनस में ए हो जाएगा ध्यान दीजिए माइनस में ए हो जाएगा तो चूंकि अब यक्ष के जगह माइनस ए इसमें रखेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है आज चूंकि शेषफल दिया कितना चार तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना दिया है तो चूंकि शेषफल बराबर हमको मिला मिलाह साथियों कितना दिया है रियल में चार दिया है तो चार लिख देंगे आ चूंकि शेषफल निकालने का तरीका क्या है सेसफफल से अगर भाजक बराबर जीरो मान लेते हैं उसमें चर राश का मान निकाल लेते हैं और वह मान हम क्या करते हैं भाज्य में रखते हैं तो वही हमारा शेषफल आ जाता है तो रखिए भाज्य में यानी यक्ष की जगह माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस दो गूढ़े ए गुड़े की जगह रखेंगे माइनस में ए और प्लस में ए स्क्वायर किन के बराबर है चार के बराबर क्योंकि जब भाजक बराबर ध्यान समझिएगा ये भाजक है भाग देने वाला भाजक और जिसमें भाग दिया जाता है उसका नाम है भाज्य अगर भाजक बराबर जीरो मान लेते हैं उसमें यक्ष की जो राशि है यक्ष का जो मान है निकाल लेते हैं और वह मान अगर हम भाज्य में रखते हैं तो डायरेक्ट हमें शेषफल प्राप्त होता है बात समझ नहीं तो यह शेषफल प्राप्त हुआ यह शेषफल आज चूंकि यह भी शेषफल है दोनों आपस में क्या है बराबर दोनों को बराबर कर देंगे अब इसको सॉल्व करके ए का मान निकाल लेंगे माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस जब दो समान चिन्ह चिन्ह तो जाना जान लीजिए यहाँ पे दो ए में एक गुड़ा तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बराबर में कितना दिया है, है चार हाई देखिए ए स्क्वायर कौ गो ए गो ए स्क्वायर कौ गो दू गो ए स्क्वायर गो ए गो तीन मतलब कि इसको भी इसको भी इसको भी एक झोला में रख लीजिए कोगो a स्क्वायर हो जाएगा तो आप बोलोगे चार को a स्क्वायर हो जाएगा यानी कि चार 4a स्क्वायर बराबर में कितना दिया है चार दिया है. तो थोड़ा समझिएगा कायदे से a यानी a स्क्वायर और चार में क्या संबंध तो गुणा का संबंध और गुणा वाला उधर जाता है, तो हो जाता है बटा है ना तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 4/4 चार आ जितना ऊपर उतना नीचे और वैल्यू कितना एक हो जाता है तो ए स्क्वायर बराबर कितना है? एक स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ाया तो ए बराबर करड़ी में एक आ करड़ी से कोई भी संख्या अगर बाहर निकलती है तो वह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक में भी हो सकती है तो इसलिए ए बराबर लिखेंगे क्या प्लस माइनस एक तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस एक अब देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है तो विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों प्रश्न नंबर दो दो हजार तेरह दो हजार तेरह जो हुआ है हाँ पेपर यूपी टेट का प्रश्न नंबर दो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ आ गया है अगर इस साल दो हज़ार इक्कीस में यूपी टेट में इस प्रकार से आधारित प्रश्न आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे अगर कहीं भी परेशानी होती है तो प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोबारा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर गेन करें गणित में तीस में तीस आपको इस साल तीस में तीस आपको सॉल्व करना है तो प्यारे साथियों रहा प्रश्न नंबर दो का सॉल्यूशन अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर प्यारे साथियों प्रश्न नंबर तीन है यदि प्रेक्षणों यक्ष कामा यक्ष प्लस तीन कामा यक्स प्लस पाँच कामा यक्स प्लस सात कामा यक्स प्लस दस का माध्य नौ है तथा अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य है कह रहा है तो एक दो तीन चार पाँच पाँच प्रेक्षणों का माध्य बोले तो समांतर माध्य नौ दिया है तो अंतिम में से अंतिम से तीन का हमको क्या माध्य निकालना है तो प्यारे साथियों माध्य बराबर क्या होता कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है थोड़ा आप जानते हैं माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या तो बताइए कुल पदों का योग क्या होगा तो हम पाँचों को जोड़ लेंगे यानी कि यक्स प्लस यक्स प्लस तीन प्लस यक्स प्लस पाँच प्लस यक्स प्लस सात प्लस एक प्लस दस हो जाएगा अब बटे में कितना कैसे कुल कितनी संख्या पाँच एक नहीं है पाँच आ इसका माध्य कितना निकला है नौ नौ के बराबर हो जाएगा आपको माध्य बराबर क्या फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है सुन लीजिए पुनः माध्य बराबर होता कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या लिख दीजिए यक्ष को गो है? गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच गो है तो क्या लिखेंगे पाँच यक्ष प्लस अंक को जोड़ लीजिए दस सात सत्रह सत्रह तीन बीस बीस पाँच पच्चीस प्लस पच्चीस हो गया बराबर है देखिए बट्टा है इधर जाएगा तो गुला नौ पच्चीस कितना हो जाएगा पैतालीस हो जाएगा तो पाँच यक्स बराबर कितना हो जाएगा पैतालीस माइनस पच्चीस यानी कि पाँच यक्स बराबर क्या कितना बीस हो जाएगा यक्स बराबर बीस बटे 5, अब पाँच पाँच चौक को बीस तो यक्स का मन कितना आ गया चार आ गया तो यक्ष का मन चार आ गया तो आगे क्या पूछा है कि अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या है अंतिम से तो अंतिम से तीन गो ले लीजिए अंतिम से तीन है ये ना है देखिए एक दो तीन अंतिम से तीन कि नहीं है तो अंतिम से तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा तो हम जानते हैं प्यारे साथियों कि कुल प्रेक्षणों का योग बटे संख्या क्या होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या यानी अंतिम से तीन को अगर निकालना है तो चलिए निकाल देते हैं कि माध्य क्या होगा तो आपको पता है कि यक्स प्लस पाँच प्लस यक्स प्लस सात प्लस यक्स प्लस कितना है दस अंतिम में एक नहीं है एक दो तीन तीन का काफी निकालेंगे अब बटे में कैसे भाग देंगे तीन लोग हैं ना तो तीन से भाग दे देंगे आपको पता है यक्स को गो यक्स तीन गो यक्स है न तीन यक्स तो लिखेंगे तीन यक्स प्लस दस सात सत्रह सत्रह पाँच बाईस बाईस और बटे में कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा आज चूंकि आप जानते हैं प्यारे साथियों का मान कितना है चार चारिया कितना हो जाएगा बारह प्लस बाईस और बटे में कितना तीन और बारह बाईस जोड़ लीजिए दो दो चार और दो एक तीन यानी कि बारह बाईस कितना चौंतीस चौंतीस बटे तीन हो जाएगा चौंतीस बटे तीन तो ऑप्शन में चौंतीस बटे तीन आपको दिखाई नहीं देगा तो इसको मिश्र भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे कैसे तो हो जाएगा मिश्र भिन्न में चौंतीस चौंतीस बटे तीन है ना लिखेंगे ग्यारह सही एक बट्टा तीन एक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ग्यारह तीन तैंतीस एक चौंतीस यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न नंबर तीन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर चारियों प्रश्न नंबर चार है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सम विभाजित करते हैं तो यह है क्या है समचतुभुज समलंब चतुर्भुज आयत की पतंग तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है ए कैसे होता है आयत थोड़ा सा विचार विमर्श भी कर लेते हैं अगर प्यारेतियों हम बात करते हैं आयत की तो देखिए आयत के बारे में क्या आप जानते हैं प्यार झातियों आयत में क्या होता है आयत की सम्मुख भुजा बराबर व समांतर होती है और आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं देखिए ए बी सी डी आयत के दोनों विकर्ट जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं अगर एक विकल्प पांच सेंटीमीटर का होगा तो दूसर को विकल्प जो विकल होगा वो भी पाँच सेंटीमीटर का होगा लेकिन एक दूसरे को सम विभाजित तो करते हैं दो बराबर भागों में बांटते हैं काटते हैं लेकिन समकोण पर नहीं काटते हैं इसलिए आयत तो होगा नहीं अब प्याजातियों अगर बात करते हो वर्ग की अब देखिए एक वर्ग जो है थोड़ा गौर से समझिएगा एक वर्ग जो होता है प्यारजातियों एक देखिए इसमें क्या होता है एक दूसरे को समकोल पर काटती है एक दूसरे को क्या समिभाजित भी करती है समकोल पर काटती भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में नहीं है लेकिन प्यारे साथियों जो सम चतुर्भुज है सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो देखिए सम चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं लेकिन दोनों समान लंबाई के नहीं होते हैं लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है और सम विभाजित भी करती हैं बराबर बराबर भागों में बांटती हैं लेकिन दोनों विकर्ण समान लंबाई की नहीं होती हैं पतंगकार हो ही नहीं सकता अ समचतुर्भुज समलम्ब चतुर्भुज कोई जरूरी नहीं है प्यारे साथियों कि इनके दोनों विकर्ण जो को जो हैं कि समकोण पे काटते हैं कंडीशन पे अप्लाई होता है इसलिए प्यारे साथियों विकल्प हो जाएगा क्या सम चतुर्भुज के बारे में प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर चार आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है समचतुर्भुज और वर्ग ऐसे दो चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समझ विभाजित भी करते हैं और समकोण पे काटते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर चार आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है अगर यूपी टेट में आता तो आप यूं चुटकी महल कर ले जाएंगे अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर पाँच है तल में बिंदु माइनस और माइनस उसके किस पाद में स्थित है पता करना किस पाद में स्थित है तो थोड़ा सा इसका हिंट ले लीजिए तरीका सोच देख लीजिए प्यार छत्र एक चतुर्थांश हम बना देते हैं है ना देखिए एक चतुर्थांश के बारे में जान लीजिए देखिए इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष अच्छा। क्या बोलते हैं यक्ष डैश इसको बोलते हैं वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा प्यार है। ठीक ना? और नहाँ पे यक्ष डैश क्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं यानी कि इस बिंदु का नाम हो जाता है साथियों क्या होता है इस बिंदु का नाम मूल बिंदु क्या होता है मूल बिंदु आप ध्यान से देखिएगा यक्ष अक्ष पे जो स्थित होता है उसका नाम होता है भूज वाई अक्ष पे जो भी बिंदु स्थित होते हैं उसका नाम होता है साथियों कोटि होता है है ना बात समझिएगा मूल बिंदु से मूल बिंदु से दाहिनी ओर जो दाहिनी ओर है यहाँ पे इधर वाली इधर इधर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं इधर प्यारे साथियों क्या होता है धनात्मक होता है क्या होता है इधर धनात्मक होता है धन होता है आ इसके ऊपर भी प्यारे साथियों कौन सा होता है धनात्मक वाली संख्याएँ होती हैं यानी धन वाली संख्याएँ होती हैं समझिएगा इधर कितने कौन वाली संख्या होती है प्यारे साथियों इधर इस पे यानी ऋण वाली संख्या ऋणात्मक वाली संख्याएँ होती हैं और इसके नीचे प्यारे साथियों क्या होता है ऋण वाली संख्याएँ होती हैं थोड़ा गौर करेंगे आप सभी को है ना देखिए दा, इसके सामने खड़ा हो जाइए इसके सामने खड़ा हो जाइए हमेशा दाहिने हाथ से पुण्य का काम का किया जाता है और बाएं हाथ से पाप का काम का किया जाता है तो दाहिने हाथ में ध्वन होता है और बाएं हाथ में ऋण होता है यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे मूल बिंदु के सामने खड़ा होंगे इधर हो गया हमारा यक्ष अक्ष तो इस पर हमारा ध्वन होगा इधर क्या होगा क्या हो पैर परेशों मानेस हो जाएगा तो इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक इसको घिटा घुमा लेंगे अब देखिए अब क्या प्यारातियों इसमें एक ही जोर जानना आपको क्या है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं अब इसको एंटी कलाकवाइज घुमा लेंगे इसको सेकेंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं प्यारे चतियों ठीक ना अब देखिए यक्ष अक्ष पे स्थित बिंदु का नाम होता है भुज वाई अक्ष पे स्थित बिंदु का नाम होता है कोटि होता है तो प्यारे प्यार बताइए तो जरा इसमें भुज है प्लस इसमें कोटि है क्या प्लस तो इसमें क्या होगा दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस हम कह देंगे इसमें क्या होता है पहले भूज होता तब है तब कोट इसमें भूज कैसा है माइनस इधर माइनस एक नहीं है तो माइनस अब कोट ऊपर है कि नहीं है किसी में होता है प्लस में होता है तो यानी कि माइनस का मा प्लस इसमें भूज भी माइनस और कोट भी माइनस ऐसम प्यार जाती हूँ भूज हमारा प्लस में और कोट क्या हो जाएगा माइनस में तो ध्यान से देखिएगा देखिएगा पहले का और तीसरे का एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है देखिए पहले का और तीसरे का एक दूसरे के विपरीत है का और चौथ का एक दूसरे के विपरीत है तो देखिए अगर कर विपरीत होगा तो क्या होगा माइनस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस तो ये कहेगा प्लस माइनस एगो माइनस प्लस तो एगो प्लस माइनस एगो प्लस प्लस तो एगो माइनस माइनस बड़ा अच्छा टेक्निक है आप बताइए भूज कैसा ऋणात्मक कोट भी जब भूजो माइनस कोटियो माइनस तो कौन चतुर्थांश में तो तृतीय चतुर्थांश में बोलेंगे तो यानी कि विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि जो यह तरीका बताएं जो नियम बताएं आपको समझ में आया है पुनः समझिए पहल का चतुर्थ और तीसरा चतुर्थांश एक दूसरे के ठीक विपरीत है नहीं है तो प्लस प्लस है तो ये कहेगा आप प्लस प्लस रहोगे ना तो हम माइनस माइनस हो जाएंगे ये प्लस प्लस है तो कौन कौन हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा दूसरी चतुर्थांश में देखिए एगो माइनस एगो प्लस

तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है अरे भाई साहब थोड़ा समझिए क्या है मान लीजिए थोड़ा गौर से समझिएगा यह यात्रा कोई व्यक्ति कर रहा है है ना पूरा यात्रा कर रहा है पतराई कौ किलोमीटर है ये नहीं पता हमको लेकिन कहा है उस दूरी का क्या दो पांचवा, दो पांचवा का मतलब दो बटे पाँच दो का मतलब दो बटे पाँच दो बटे भाग कैसे चला है ट्रेन से चला है है हाँ ना आ एक तिहाई एक तिहाई का मतलब भाई साहब ये हुआ कि एक बटे तीन भाग एक बटे तीन भाग कैसे चला है बस द्वारा चला है उसके बाद क्या कहा एक चौथाई एक चौथाई मतलब एक बटे चार भाग चले हैं कैसे एक चौथाई कार द्वारा चले हैं आ जितना बचा है ना वो पैदल चला है और जितना पैदल शेष दूरी बचा है हो कौ किलोमीटर है तो केवल तीन किलोमीटर बात समझिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम किसी तय किए हैं दो पाँचों भाग ट्रेन से तय किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का भाग मान लीजिए पैर छात्रियों दो बटे पाँच भाग है अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम किसी तय किए हैं एक तिहाई बस द्वारा एक बटे तीन हम बस द्वारा तय तेक किए हैं पुनः अब भाग कितना एक चौथाई कार द्वारा तय किए हैं तो एक बटे चार भाग प्यार कार द्वारा तय किए हैं आज शेष सही दूरी बचा कि नहीं बचा इस शेष दूरी ये देखिए भाई हम ट्रेन से तय किए हैं ट्रेन से ट्रेन हो गया उसके बाद में किससे तय किए हैं बस से ही दूरी तय किए हैं उसके बाद कार से उसके बाद प्य किस से तय किए हैं पैदल और जो पैदल शेष दूरिया बचा ना जो शेष दूरिया वह कौ किलोमीटर का है तीन किलोमीटर का अब भी पैदल हम तय किए तो पहले ये बताइए प्यारे साथियों पहले ये देख लीजिए दो बटे पाँच एक बटे तीन एक बटे चार जोड़ के देखिए कौ किलोमी मतलब कितना भाग उन्होंने किसे बस से कार से और ट्रेन से तय किया अ शेष दूरी पहले हम निकालेंगे ना पहले इनको जोड़ लीजिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लौसन निकालिए तो पानी पंद्रह चौक को साठ हो जाएगा काटेंगे इसको तो बारह बार में कटेगा है हाँ ना बारह पच्चीस साठ बारह दूरी कितना हो जाएगा चौबीस होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाँच चौक को बीस हो जाएगा अब प्लस क्या चाहती 5 पाँच कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा इनको जोड़ लीजिए बीस बीस चालीस दस पचास पाँच पचपन्न उनसठ यानी कि उनसठ बटे साठ यानी कि उनसठ बटे साठ भाग या जो दूरी है का ट्रेन से बस से कार से तकिए तो शेष दूरी अगर प्यारी साथियों सेष दूरी निकालना है तो घटा दीजिए ना घटा के लिख दीजिए कैसे शेष दूरी निकालना है तो घटा के शेष दूरी शेष घटा दीजिए तो साठ में से उनसठ गया तो एक बटे कितना बचेगा साठ तो यानी कि एक बटे साठ भाग शेष बचा है है ये ना शेष है तो यह भाग में एक बटे साठ भाग है आ किलोमीटर में तीन किलोमीटर जो पैदल चला है यानी कि एक बटे साठ भाग चला कितना तीन किलोमीटर के बराबर एक बटे साठ भाग है जो तीन किलोमीटर के बराबर जो पैदल चला है तो एक का मान निकाल लीजिए तो साठ में तीन का क्या करा देंगे गूड़ा तो साठ गुड़े तीन हो जाएगा छठारह एक सौ अस्सी किलोमीटर ये क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी कि कुल दूरी कितनी है एक सौ अस्सी किलोमीटर यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है उम्मीद करते हैं प्यारा छी आपको यह बात समझ में शेष है तो घटा के लिखना है साठ में से उनसठ को घटाना तो एक बटे साथ बचेगा तो उम्मीद करते हैं प्यारा छी यह प्रश्न नंबर छः आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर सात को नंबर सात है यक्स प्लस एक बटे यक्स बराबर पाँच के लिए यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे यक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो प्यारे साथी हूँ इसका डायरेक्ट अगर आप सवाल लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना प्यारे साथी हूँ तेईस हो जाएगा आप कहेंगे कैसे तो समझ लीजिए पाँच का स्क्वायर करेंगे और करेंगे, तो दो कम कर लेंगे तो पाँच पच्चीस पच्चीस माइनस दो यानी कि तेईस अगर कंसेप्ट आप सीख जाते हैं तो आप एकदम यू चुटकी में आराम से कर सकते हैं तो प्यारे साथियों आइए हम कंसेप्ट की ओर विशेष चर्चा करते हैं अगर प्यारे साथी थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा अगर यदि दिया है क्या यक्स प्लस एक बटे यक्स बराबर ए अगर आपसे पूछता है प्रश्न में कि यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस क्या कह देंगे दो कह देंगे ठीक है ये कैसे आता है इस पर हम भी विचार विमर्श करेंगे डायरेक्ट अगर प्यारे साथी यदि दिया है कौन से देखिएगा यदि दिया है यक्स माइनस एक बटे यक्स बराबर मान क्या दिया है ए दिया है अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे घटाना यहाँ पे घटाना तो वहाँ पे जोड़ना ये पे है तो प्यारे प्यारू अगर पूछा यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा तो आप कहोगे ए स्क्वायर आप प्लस में क्या हो जाएगा दो अगर यहाँ पे प्लस तो दो को घटाना अगर यहाँ पे माइनस तो दो को जोड़ना अल्टर कर देना है बस को, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये आया तो कैसे आया तो समय ई टू तो डायरेक्ट मेथड है कुछ लगा लेंगे और नहीं आता तो देखिए क्या करेंगे देखिए दिया है यक्स प्लस एक बटे यक्स बराबर कितना दिया है पाँच दिया है ना तो देखिए अगर स्क्वायर स्क्वायर का मान जाइए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर है नहीं है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो दोनों पक्षों का लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर कर लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग कहा हो जाएगा यक्स प्लस एक बटे यक्स का होल स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर अब देखिए ए धन बी का होल स्क्वायर तो पहले का पद का स्क्वायर धन दूसर का पद का स्क्वायर धन दो गुड़े पहले का पद गुड़े दूसर का पद और पाँच का स्क्वायर पच्चीस क्स से से देखिए कट गया तो यहाँ से देखिए क्या बचा यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे यक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर कितना आ गया पच्चीस आ गया प्लस में दो है उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में दो हो जाएगा यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे यक्स स्क्वायर बराबर पच्चीस माइनस दो यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस एक बटे यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तेईस इसी का तो मान निकालना था आपको बेसिक से बता दिए ट्रिक भी बता दिए उम्मीद करते हैं दोनों नियम आपको समझ में आया है चाहे जिस नियम से आप लोग पढ़िए आपको समझ में आना चाहिए यानी कि विकल्प नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अब प्यारे साथियों हाँ प्रश्न नंबर सात का सोलूशन हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर आठ क्या है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प यक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस यक्स्यू प्लस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है तो प्यारे साथियों पूड़न खंड है इसको जांच करना है तो पहले आइए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब लगाएंगे प्यार छत्रियों तो आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं प्यार छत्रियों क्या है यहाँ पे दिया है यक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ए धन बी का होल क्यूब तो ए धन बी कहिए चाहे एक्स प्लस वाई कहिए एक्स प्लस वाई तो इस पर हम तोड़ेंगे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक कोष्टक में एक प्लस वाई अब माइनस है तो माइनस लगाया और जब माइनस है आगे अब ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट को तोड़ेंगे कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है यानी कि बदल जाता है यानी कि हो क्या जाएगा यक्स क्यू माइनस वाई का क्यू अब देखिए यही दोनों से ये दोनों क्या हो जाएगा खल्लास हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा तो बचा क्या तीन यक्स वाई ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई तो बताइए इसका गुणनखंड एक क्या है विकल्प से देख के बताइए क्या है तो क्या दिखाई दिया तीन यक्स वाई भी हो जाएगा यक्स प्लस वाई भी हो जाएगा लेकिन विकल्प में क्या दिया है प्यार तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसे अब बताइए अगर हम बात करें अट्ठारह अट्ठारह का गुणनखंड कौन कौन है तो आप कहेंगे दो भी है तीन भी है और आ, क्या हो जाएगा दू तीन छः तीन हाँ कह तो सकते हैं तो तीन तरीके नौ दो गुड़े तीन गुड़े यानी कि अठारह का गुणनखंड दो भी है तीन भी है छ भी है भी हम बना सकते हैं तीन दूनी छ को भी हम बना सकते हैं बात समझ समझा नहीं नौ को भी हम कह सकते हैं बात समझा नहीं समझा तो उसी प्रकार से इसका गुणनखंड अगर देता तीन वाई तो तीन एक्स वाई भी होता प्लस वाई देता तो ये भी होता वाई केवल देता तो ये भी होता है प्यारे साथियों तो इसमें देखेंगे इसमें से कोई कोई एक पार्ट मिला कि नहीं मिला तो मिला तीन यक सवाई तो हम कह देखते हैं प्यार साथियों विकल्प नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी यह प्रश्न नंबर आठ का राइट सॉल्यूशन है अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर नौ को प्रश्न इस प्रकार से है एक यन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है व्यंजक का मतलब क्या होता सुत्र है सूत्र है सूत्र क्या है प्यार साथियों किसी शीर्ष की अगर बात किया तो किसी शीर्ष की बात करता है तो एक शीर्ष से यानी पूछ रहा कोई बहुभुज है या भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उसके एक शीर्ष से कितने हम विकर्ण खींच सकते हैं इसको बताना है तो प्यार साथियों एक पैटर्न देखिए इसको रटने की कोई जरूरत तो नहीं है इस पर एक पैटर्न सीखिए मान लीजिए कि चार भूजा वाला एक बहुभुज है चार भूजा वाला है एक हमारे पास बहुभुज मान लीजिए यही है अब इसके एक एक शीर्ष को पकड़िए एक शीर्ष से कौ बिक खींच सकते हैं एक शीर्ष खींच सकते हैं है ना खींच सकते हैं खींच सकते हैं बात समझ समझानी है अब चलिए एक पांच भुजा का बहुभुज भूज ले लीजिए पैसा थी एक दो तीन चार अब पाँच भूजा हो गया बहुभुजक नहीं है इसके एक बी एक शीर्ष को पकड़िए इससे कौ को खींच सकते हैं हम दो दो बिकड़ खींच सकते हैं देखिए नहीं अगर चार भूजा है इससे एक हम खींच रहे हैं अगर पाँच भूजा है बहुभुज पाँच भूजा वाला बहुभुज है तो इससे को बिकर्ट खींच रहे हैं दो बिकर्ट खींच रहे हैं बात समझिएगा अगर प्यारे चाहती हूँ यहाँ पे छः भूजा वाला हो एक दो तीन चार पाँच समझिए सॉरी थोड़ा गलत तो बन गया पाँच यहाँ से एक और छः यहाँ से बन गया ध्यान देंगे अगर यह छः भूजा वाला है यहाँ से मान लेते हैं अगर ये यहाँ से खींचना होगा तो कौन वो खींचेंगे एक दो दो और उसके बाद पैंसठ यहाँ से हो जाएगा तीन समझिएगा इसको उपरोक्त चित्र को देख के आपको क्या मिला बात समझिएगा एक शीर्ष से विकर्ण खींच रहे हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे यानी कि मान लीजिए चार भुजा वाला बहुभुज है तो इन एक विकर्ण खींच रहे हैं इससे क्या मिला कि भुजा की संख्या से तीन कम भुजा की संख्या से तीन कम विकर्ण खींच रहे हैं तो भुजा की संख्या चार है आ चार में से तीन कम यानी कितने विकर्ण खींच रहे हैं एक विकर्ण हो रहा है यहाँ पे है यानी कि पांच भूजा वाला बहुभुज है तो इसमें दो विकर्ण खींचे गए हैं तो आपको पता पाँच भुजा है और इसमें से तीन कम यानी कि दो गु हो जाएगा प्यारे छात्री में यहाँ पे छ भुजा वाला की नहीं है तो छ भुजा से तीन कम यानी कि को भुजा को को विकर्ण हो जाएगा तीन हो जाएगा यानी प्यारे छात्री तब बताइए आप ये न वाला बहुभुज रहेगा तब क विकर्ण खींचेंगे तब सूत्र क्या बनेगा तब भुजा की संख्या से तीन कम विकर्ण खींचे जाते हैं कोई बहुभुज है प्यार जातियों एक शीर्ष से कुल खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजा की संख्या से तीन कम होती है यानी कि यन है तो य माइनस कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा यानी विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप अपने अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि, कि कोई बहुभुज हो उनकी एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या भुजा की संख्या से तीन कम होती हैं आप इसको याद कर लीजिए रख लीजिए बस यही कंसेप्ट है उम्मीद करते हैं प्यार्थियों कि आपको यह प्रश्न नंबर नौ समझ में आया अच्छे तरीके से अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर तो प्यारियों प्रश्न नंबर दस क्या है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पाँच सौ रुपया है अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य एम आर पी यानी पाँच सौ रुपया दुकानदार पाँच परसेंट की छूट देता है और फिर भी पच्चीस परसेंट लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है यानी कि लागत मूल्य निकालना है लागत मूल्य मतलब कि खरीद के कितना में लाया है लाया यानी कि क्रय मूल्य आपको निकालना है तो देखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है तो प्यारे साथियों पाँच सौ रुपया का वह क्या है मार्क प्राइस है छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य है अब पाँच सौ रुपया में प्यारे साथियों तो पाँच परसेंट की छूट देता है पाँच परसेंट की छूट देता है यानी कि पंचानवे परसेंट का वह पैसा लेता है तो गुणा कर देंगे पंचानवे प्रति पंचानवे बाटा में कर लीजिए कितना आप पच्चीस परसेंट लाभ करा कमाता है ना तो पच्चीस परसेंट लाभ कमाया तो कितना हो जाएगा एक सौ पच्चीस बात समझिएगा पाँच परसेंट छूट दिया तो पंचानवे परसेंट का नहीं रुपया लिया और पच्चीस परसेंट लाभ कमाया तो आप बताइए सौ परसेंट तो करें लेबर करेगा आप पच्चीस परसेंट तो कितना एक सौ पच्चीस तो डायरेक्ट कर लीजिए आप काम को फाइनल पच्चीस से काटिए पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस आप पच्चीस चौक को सौ पच्चीस चौक को कितना हो जाएगा सौ यानी कि बीस बार में कटेगा बात समझिएगा आप पाँच एक पाँच आप पाँच चौक को बीस यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों चार गुड़े पंचानबे, यानी कि पाँच चौक को बीस और नौ चौक को छत्तीस दो कितना हो जाएगा अड़तीस तीन सौ अस्सी रुपया उसका क्या होगा यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि इतने रुपये में वो खरीद के लाया है तीन सौ अस्सी रुपये में उम्मीद करते हैं कि यह बड़ा छोटा सा प्रश्न आपको समझ में है पाँच परसेंट का छूट दिया यानी कि पंचानवे परसेंट पंचानवे हो जाएगा पच्चीस परसेंट लाभ कमाता है यानी कि एक सौ पच्चीस हो जाएगा यानी कि पाँच सौ का मतलब गूड़ा पंचानवे बटे एक सौ पच्चीस का गूड़ा करेंगे डायरेक्ट सीपी हमारा आ जाएगा उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न नंबर दस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह है राधिका ने दो लाख पचास हज़ार में एक कार खरीदी अगले वर्ष कीमत 10 परसेंट गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12 परसेंट और गिर गई इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है तो प्यारे साथियों एक बात ध्यान दीजिए यह सवाल जितना बड़ा है दिखने में लेकिन लगाने में बड़ा छोटा है अब देखिए जब किसी वस्तु पे दो प्रकार की घटना घटित होती है तो वहाँ पे ए भी फार्मूला लगता है जब किसी वस्तु पे दो प्रकार यानी कि एक ही वस्तु है और दो दो बार घटना घटित होती है देखिए एक वर्ष में दस परसेंट की गिरावट आई और दूसर का वर्ष में भी बारह परसेंट की गिरावट आई यानी कि कमी हो जाती है तो इसमें ए बी का फार्मूला लगता है ए बी फार्मूला क्या होता है उसको देखिए रेट यानी कि रिजल्ट के रूप में क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए गुड़े बी अपान कितना हो जाएगा सौ ए बी ए बी फार्मूला है वृद्धि होगा तो प्लस कमी होगा तो माइनस बात समझ में गिर गया क्या होता है दस परसेंट गिर गिर गई कि नहीं गिर गई गिर गई कि मतलब कमी हो गई तो इसके लिए रिजल्ट देखिए कैसे लगाएंगे रिजल्ट में क्या आ जाएगा प्यार सकते दस परसेंट गिर गई तो माइनस में क्या लेंगे दस पुनः माइनस लगा देंगे अगले साल बारह परसेंट गिरी तो माइनस में क्या हो जाएगा बारह अब देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्यों प्लस होगा ये भी ए का भी मान माइनस में बी का भी मान माइनस में माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस यानी कि हो जाएगा दस गुड़े बारह और बटे में कितना सौ आराम से लगा सकते हैं कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है देखिए जीरो से जीरो का होगा कट गया अब यहाँ पे कर, करेंगे तो क्या दोनों माइनस है तो माइनस में कितना हो जाएगा बाईस अब प्लस हो जाएगा एक दशमलव कितना दो हो जाएगा बारह बटे दस का मतलब का एक दशमलव दो अब बाईस में से एक दशमलव दो घटा देंगे तो प्यार पता आपको हो जाएगा बीस दशमलव आठ किस में होगा माइनस में क्या क्या होगा आठ यही हो जाएगा हमारा आंसर तो माइनस रिप्रेजेंट करता है तो माइनस रिप्रेजेंट करता है संपूर्ण घटने का प्रतिशत यानी कि संपूर्ण घटने का क्या माइनस कमी को रिप्रेजेंट करता है प्लस वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है यानी कि बीस दशमलव आठ प्रतिशत की क्या हो गई संपूर्ण गिरावट हुई संपूर्ण घटने का प्रतिशत हुआ प्यार हो उम्मीद करते हैं कि यह भी फार्मूला आपको समझ में आया देखिए घटने को कहे घटना मतलब समझिए घट रही है गिर गई कमी हुई यह सब माइनस मिलेंगे वृद्धि बात समझ में गई है उसके लिए प्रश्न होता उम्मीद करते हैं आपको ये भी फार्मूला समझ में आया और प्रश्न ग्यारह का विकल्प यानी किसी सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी बीस दशमलव आठ अब आइए प्यार जाती हूँ हम अपने कर्मी चेचा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं बारह नंबर नंबर बारह बिल्कुल बड़ी सिंपल है कुछ नहीं है करी के अंतर्गत है है ना एक करड़ी दो करड़ी तीन कर देख के घबराइए मत ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में तो बड़ी सिंपल बड़ा सरल होते हैं प्यारे साथियों कभी भी इस प्रकार से अगर प्रश्न आपको दिख जाए तो आपको सबसे पीछे के हल करना है सबसे लास्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला है न क्या करणी में एक सौ कितना चौवालिस और करणी में एक सौ चौवालिस प्यारे साथियों एक पूर्ण वर्ग है करणी में एक सौ चौवालिस का मान कितना बारह पक्का ऐसे सवाल आते हैं तो लास्ट से हल किए जाते हैं आइए करड़ी से आराम से बाहर निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं हुआ तो सुनिए क्या करेंगे यानी करड़ी लगा दीजिए है ना क्या हो जाएगा दो प्लस करणी में कितना हो जाएगा बावन अब देखिए प्लस अब बताइए तनि सोचिए यहाँ पर रफकार करिए करड़ी में एक सौ चौवालीस का मान कितना होता है तो करड़ी में एक सौ चौवालीस का मान होता है बारह तो प्लस यहाँ पे, कहा हो हाँ पे सम्झें सम्झें। क्या हो जाएगा बारह यहाँ पे आ जाएगा बात समझ नहीं समझ रहे हैं प्लस टेप अब चलिए पुनः लिखिए क्या हो जाएगा दो सौ अड़तालीस प्लस अब ध्यान दीजिएगा करड़ी में यहाँ पर जोड़ लीजिए बावन बारह कितना हो जाएगा चौंसठ कोई दिक्कत है कहाँ चौंसठ हो गया आप बताओ करणी में चौंसठ का मान कितना होता है तो प्यारे साथियों आप जानते हैं करणी में चौंसठ का मान कितना होता है आठ होता है आठ उठेंगे चौंसठ यानी इसको लिखेंगे करणी में कितना दो सौ अड़तालीस आप प्लस में कितना हो जाएगा आठ तो जोड़ेंगे दो सौ अड़तालीस में आठ को तो हो जाएगा 256। दो सौ छप्पन और दो सौ छप्पन मान किसका तो सोलह का तो सोलह इसका राइट आंसर तो प्यारे साथियों विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्यारे साथियों चाहे आपको समझाएं तब तो लिख लिख के किए आप चाहेंगे ना तो बिना कलम्स के मुंह जमानी साल ब करेंगे क्यों क्योंकि क्यों करड़ी में एक सौ चौवालीस का मान बारह होता है बारिश के जगह लिख देंगे अब बावन में बारह जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा चौंसठ आ चूकी करड़ी में चौंसठ का मान होता है आठ आठ को दो सौ अड़तालीस में जोड़ेंगे तो दो सौ छप्पन हो जाएगा आज चूंकि जानते हैं दो सौ छप्पन का वर्ग में सोलह होता है तो आराम से हम लगा देंगे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि सोलह नंबर सोलह सोलह आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर बारह आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया है अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर तेरह तेरह यह रीजनिंग है थोड़ा देख लीजिए माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी तो हमको पता करना है कि दक्षिण दिशा आपको कि पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी आपको बताना है तो प्यारे साथियों थोड़ा सा यह जो मानक जो रिछाएँ उसको देख लीजिए ऊपर हमारा दक्षिण उत्तर होता है तो उसके ठीक विपरीत दक्षिण होता है उसके बाद इधर पश्चिम होता है इधर क्या होता है पूर्व होता है दाहिने की साइड में क्या होता है पूर्व होता है इन अब अब यह चार दी हो गई आज एक चारी और भी होती हैं जिसको उत्तर पूर्व कहा जाता है इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है इसको पश्चिम उत्तर कहा जाता है प्यार साथियों थोड़ा गौर करेंगे एक और डायरेक्शन हम क्या कहते हैं प्रश्न के हिसाब से अब हम क्या करते हैं बना लेते हैं थोड़ा गौर कीजिएगा अगर समझ नहीं पाएंगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ध्यान से समझिए क्या बोला है बोला है प्रश्न में प्यार साथियों माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व है यहाँ पे क्या दक्षिण पूर्व तो दक्षिण पूर्व भैया ना न प्यारे साथियों यहाँ पे दक्षिण पूर्व है है कि नहीं है यहाँ पे दक्षिण पूर्व है प्यारे साथियों वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित कर दिया गया है उत्तर यहाँ पे कौन दिशा प्रदर्शित कर दिया गया उत्तर प्रदर्शित कर दिया गया है तो आपको पता करना है कि पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी यानी कि तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी तो आप बताइए प्यारे साथियों कि यहाँ पे उत्तर है तो उत्तर के ठीक क्या होता है दक्षिण होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों अब दक्षिण को हम इधर नब्बे अंश रोटेट करेंगे इधर नब्बे अंश रोटेट करें तो यहाँ पे आ जाइए यहाँ दक्षिण है कि नहीं दक्षिण है यहाँ पर दक्षिण को हम इधर नब्बे अंश रोटेट करेंगे तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे प्यारे साथियों होगा पश्चिम होगा तो पश्चिम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों पूरब होगा कि नहीं होगा पूरब होगा कि नहीं होगा बात समझ में नहीं है तो यहाँ पर उत्तर यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे पश्चिम यहाँ पे पूर्व हो गया तो पूछा क्या आप जाती हूँ थोड़ा गौर करेंगे हम तो पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी तो पश्चिम दिशा किधर दर्शाएगी तो पश्चिम दिशा यहाँ पे है कि नहीं है तो पश्चिम दिशा किधर है उत्तर और पूर्व के क्या है उत्तर का पश्चिम दिशा देख नहीं देख रहे हैं तो पश्चिम दिशा किधर है उत्तर और पूर्व है कि नहीं है तो उत्तर व पूर्व के बीच को दर्शाएगी यानी कि विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए दक्षिण दिशा किधर है उत्तर और पूर्व के बीच में है देखिए पश्चिम दिशा तो उत्तर और पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे हैं अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर है। है। किसी संख्या का सोलह प्रतिशत जब इक्कीस से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करो इसको प्यारे साथियों मैं दो मेठट से बताऊँगा तो मेठट वन

सोलह प्रतिशत को प्रतिशत के पास लेके चलिए तो यानी कि इक्कीस इक्कीस बराबर सौ प्रतिशत माइनस सोलह प्रतिशत हो जाएगा अब बताइए इक्कीस बराबर कितना हो जाएगा चौरासी प्रतिशत यानी कि चौरासी प्रतिशत का मान इक्कीस है तो अब क्या पूछा तो वह संख्या क्या थी वह संख्या अपने आप में कौ परसेंट होगा सौ परसेंट तो आप बताइए अब लिख सकते हैं इसको ध्यान से समझिएगा कि चौरासी प्रतिशत का मान कितना है प्यारे साथियों इक्कीस है तो आप बताइए एक परसेंट का मान कितना होगा तो इक्कीस बटे चौरासी तो यानी कि इक्कीस से करने इक्कीस से इक्कीस चौक को चौरासी यानी कितना हो जाएगा एक बटे चार एक परसेंट का मान एक बटे चार होगा तो कोई संख्या अपने आप में कौ परसेंट होती है सौ परसेंट तो सौ परसेंट का मान कितना एक बटे चार गूड़े क्या करा दीजिए सौ चार से काटिए पच्चीस चौको सौ यानी कितना हो जाएगा साथियों पच्चीस इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा उम्मीद करते हैं साथियों कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया मेथड वन से भी इसको लगा सकते हैं कुछ नहीं है किसी संख्या का सोलह प्रतिशत यानी कि सोलह प्रतिशत में जब इक्कीस जोड़ेंगे तो खुद वह संख्या प्राप्त हो जाती है और खुद वह संख्या अपने आप में कौ परसेंट होगी सौ परसेंट होगी यानी कि सोलह परसेंट खुद पक्षांतर करेंगे यानी कि चौरासी परसेंट का मान आया इक्कीस तो एक परसेंट का मान कितना आएगा एक बटे चार तो कोई भी संख्या अपने आप में कौ परसेंट सौ परसेंट तो सौ परसेंट का मान निकाल लेंगे यानी कि पच्चीस हो जाएगा यह मेथड वन है अब क्या जाती हूँ इसी को हम यक्ष मान के आइए मेथड टू की भात में उसको लगवाते हैं दूसरे मेथड से हम कैसे लगाएंगे अरे पूछा संख्या ज्ञात करो तो माना वह संख्या यक्ष है माना वह संख्या क्या है यक्ष है मान लीजिए माना वह संख्या क्या है यक्ष है तो यक्ष का सोलह प्रतिशत में अगर एक की जोड़ेंगे खुद वह संख्या प्राप्त हो जाए यक्ष प्राप्त हो गई बात समझ में आएगा यक्ष का सोलह प्रतिशत प्लस इक्कीस इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो संख्या यह खुद प्राप्त हो जाती है यक्ष प्राप्त हो जाती है थोड़ा सा देखिए यक्ष का मतलब गुणा सोलह प्रतिशत का मतलब बट्टा में सौ अब प्लस इक्कीस बराबर में क्या यक्ष हो जाएगा तो अब क्या कर, कर, कर सकते हैं आराम से बताइए कोई दिक्कत नहीं है चार चौक को सोलह चार पचीसवम सौ हुआ तो चार करने चारक्स बटे पच्चीस एक को इधर लाइए तो माइनस यक्स इसको उधर लेके जाइए प्लस इक्कीस को उधर लेके जाइए तो माइनस कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा तो पच्चीस का इसमें गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा सुनिए कितना कर लेंगे आप यहाँ पे लगा देते हैं तो हो जाएगा पच्चीस से में पच्चीस यानी कि चार एक माइनस पच्चीस बटे में कितना पच्चीस माइनस में इक्कीस तो घटा लीजिए माइनस में इक्कीस तो माइनस में इक्कीस यक्स बटे में पच पच्चीस बराबर माइनस में इक्कीस माइनस इक्कीस से माइनस इक्कीस कट गया यक्स बटे पच्चीस बराबर कितना आया एक आया तो एक बराबर कितना आगे करेंगे पच्चीस अता हुआ संख्या कितनी है एक है कैलकुलेशन तो है कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ा टॉप थोड़ी है बस आप सवाल का मतलब समझिए इस से समझिए आप यहीं चुटकी में लगा सकते हैं देखिए माइनस इक्कीस से माइनस इक्कीस कटा आ कटा तो जीरो नहीं बचता है एक बचता है तो एक से बटे पच्चीस बराबर एक तो पच्चीस को पछंद कर देंगे तो पच्चीस हो जाएगा प्यारे साथियों मेथड टू से लगा है उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे तरीके से आया अब प्यारे साथियों हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर पंद्रह किसी पांच सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु बीस वर्ष है परिवार का सबसे छोटा सदस्य दस वर्ष का है जब उससे छोटा सदस्य पैदा हुआ ध्यान से समझिएगा छोटा सदस्य कब कौ साल का था दस वर्ष का है जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब हम उस बताना है परिवार का औसत आयु क्या थी थोड़ा प्यार जाती थो, थोड़ा गौर कीजिएगा मान लीजिए परिवार जो है अभी वर्तमान में क्या वर्तमान मान लीजिए परिवार का वर्तमान में इस समय औसत आयु कितना है बीस वर्ष तो औसत बराबर क्या होता कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या यानी कि अब बताइए पाँच सदस्यों का औसत आयु बीस वर्ष का है तो पाँच सदस्यों का उम्रों का योग कितना होगा बीस प्रति सौ वर्ष होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा सौ वर्ष लेकिन प्यारे साथियों अब बताइए जब छोटा सदस्य आज से दस साल का है और जब पैदा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे दस वर्ष पूर्व में जाएंगे नहीं जाएंगे लिखेंगे दस वर्ष क्या पूर्व दस वर्ष पूर्व में आइए दस वर्ष पूर्व में आएंगे तब अब बताइए कि उनका उम्र कितना था बात समझिए जब यह लड़का पैदा हुआ तो जीरो साल का था बात समझिएगा तो जब हम प्यार जाती हूँ इसमें से हम जब दस साल पहले आ जाएंगे, यानी कि दस वर्ष पूर्व आ जाएंगे, तो यानी कि दस आगुड़े कितने सदस्य पांच पाँच यानी कितना हो जाएगा पचास वर्ष तो पहले कितना था सौ वर्ष है और पचास वर्ष कम यानी कि कितना हो जाएगा पचास वर्ष हो जाएगा दस वर्ष पहले तो इस पचास वर्ष में प्यारी साथी हो और छोटा बालक भी ऐड है क्योंकि उस समय पैदा हो गया था यह प्रश्न कहता है तो अब बताइए कि जब छोटा बालक पैदा हुआ था क्या पैदा हुआ तब तो परिवार की औसत आय क्या थी जब प्यारी साथी साथियों इसमें पैदा हो गया तो उसको भी पाँच काउंट करेंगे लेकिन उम्र उसका कितना था जीरो था बात समझने का प्रयास कीजिए तो औसत कितना हो जाएगा प्यारे साथियों तो औसत बराबर आप ध्यान से देखिए है क्या पचास वर्ष क्या है वह उम्रों का योग है पांचों परिवार के सदस्यों का यह उम्रों का योग है लेकिन यह उम्र का योग कब का है दस वर्ष पूर्व का है तब इस दस वर्ष पूर्व का औसत निकालेंगे तो क्या होगा उम्रों का योग कितना है पचास अब बटे कितने सदस्य पाँच सदस्य कि नहीं है वह लोग क्या सदस्य लेंगे नहीं पैदा हुआ तब तो काउंट होगा कि नहीं होगा चार सदस्य काउंट नहीं होगा पाँच सदस्य काउंट होगा अब पाँच से काटेंगे को बार में दस बार में तो कितना हो गया पैर साथियों औसत उम्र होगा दस वर्ष यानी कि विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि यह सवाल आपको समझ में आया है बहुत लोग क्या करते हैं चार ले लेते हैं चार नहीं लेंगे यहाँ पे कितने लेंगे पाँच सदस्य को लेंगे आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर नंबर सोलह क्या है यदि एक वृत्त की परिधि होर पाई से आठ पाई बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा थोड़ा सा समझिए अगर प्यारे साथियों किसी वृत्त की त्रिज्या यानी किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर वृत्त की त्रिज्या दो गुना बढ़ती है बात समझिएगा दो गुना बढ़ती है तो उसके क्षेत्रफल में प्यारे साथियों उसके क्षेत्रफल में चार गुना की वृद्धि हो जाती है बात समझिए चार गुना बढ़ जाती है अगर त्रिज्या दो गुना बढ़ी तो क्षेत्रफल चार गुना बढ़ जाती है अगर प्यारे साथियों अगर किसी वृत्त का व्यास दो गुना बढ़ता है दो गुना बढ़ता है दो गुना बढ़ता है तो उसका क्षेत्रफल भी पुनः चार गुना ही बढ़ेगा ध्यान समझिएगा और किसी की अगर परिधि किसी वृत्त की परिधि अगर दो गुना क्या होता है बढ़ता है तो उसका क्षेत्रफल भी चार गुना क्या हो जाएगा पैसा क्यों बढ़ेगा त्रिज्या दो गुना बढ़ाया तो क्षेत्रफल में चार गुना की वृद्धि अगर ब्यास को दो गुना बढ़ाया तो क्षेत्रफल में चार गुना की वृद्धि अगर परिज को दो गुना बढ़ाया तो चार गुना की वृद्धि हो जाएगी प्यारे छतियों तो आप बताइए चार पाई से दो पाई चार पाई से यानी आठ पाई हुआ है कैसे हुआ है दो गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा तो दो गुना बढ़ा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा तो उसका क्षेत्रफल प्यार छतियों चार गुना बढ़ जाएगा बिना सोचे समझे हम विकल्प नंबर सी को करेक्ट कर देंगे चार गुना बढ़ जाएगा प्यारे प्यारती उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पंद्रह तो का मान ज्ञात कीजिए थोड़ा सा समझिए प्रथम यन यानी कि एक है दो है तीन है चार है डेढ़ कहाँ तक है यन्न गु है तो उसका माध्य पंद्रह है तो यन का मान ज्ञात कीजिए माध्य बराबर क्या होता है माध्य यानी कि औसत माध्य बराबर क्या अगर प्याज अगर पैरसाथी माध्य है अगर, अगर क्रमागत संख्या है उनके बीच का डिफरेंट समान है तो अगर प्राकृतिक संख्या है तो उनके बीच का अंतर समान समान होगा तो इसके लिए पैरसाथियों माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर होता है कि प्रथम प्रथम पद प्लस अंतिम पद अंतिम प्रथम प्लस अंतिम और बटे में क्या दो बराबर क्या हो जाता है माध्य हो जाता है पैरसाथियों यह सूत्र कब अप्लाई होता है यह प्राकृतिक संख्या हो सम संख्या हो विषम संख्या हो है ना कोई एक निश्चित समांतर माध्य में हो तो उस पर यह अप्लाई हो जाता है तो प्रथम पद प्रथम संख्या क्या एक है एक प्लस अंतिम में क्या है यन है यन बटे में दो अब बराबर माध्यम कितना दिया पंद्रह दिया पंद्रह कर देंगे दो को इधर पक्षांतर करेंगे एक प्लस यन बराबर कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तो यन बराबर माइनस एक यानी कि यह न बराबर कितना हो जाएगा प्रार्था उनतीस तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग समझ लीजिए हैं यानी कि विकल्प नंबर डी हो जाएगा यह देखिए औसत का सवाल है माध्य का सवाल है औसत कहिए माध्य कहिए समांतर माध्य का सवाल है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर सत्रह भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया अब आइए साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर साथियों प्रश्न नंबर अठारह है कौन ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है प्यारे प्यार कोटि पूरक की अगर हम बात करें कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग नब्बे अंश के बराबर होता है उसी को हम कहते हैं कोटि पूरक कोण समझिए है ना तो अगर प्यारे प्यारजातियों अगर हम बात करते हैं कि कोटि पूरक कोण के बराबर कह रहा है तो आपको एक बात आपको जाननी चाहिए अगर एक कोण सत्तर डिग्री का है तो उसका कोटि पूरक कोण कितने का होगा आप कहेंगे बीस अंश का होगा एक अगर पचास का होगा तो दूसरा कितने होगा चालीस होगा क्योंकि कोटिपूरक कोणों को अगर जोड़ते हैं तो आपस में वो नब्बे अंश के बराबर हो जाते हैं तो आप मान लीजिए एक कोटिपूरक कोण मतलब कोण यक्ष है यक्ष का कोटिपूरक कोण क्या होगा आपस में ये बराबर होगा किसके इसके नब्बे डिग्री माइनस यक्ष के बराबर होगा क्या कहा अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है क्या कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर माना हुआ कोण क्या है यक्ष है यक्ष का कोटिपूरक क्या होगा नब्बे डिग्री माइनस यक्ष नब्बे में से घटा गए तब न पूरा कोट प्राप्त होगा बराबर तो अब यक्स को इधर पक्ष कीजिए यक्स प्लस यक्स बराबर कितना अंश नब्बे अंश यक्स यक्स टू यक्स बराबर नब्बे डिग्री तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा नब्बे डिग्री अब बटे में दो काटेंगे तो कितने बार में कटेगा पैंतालीस बार में कटेगा तो यक्स बराबर कितना अंश हो जाएगा पैंतालीस अंश हो जाएगा तो प्यारे साथियों विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर अठारह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर उन्नीस को तो प्यारे साथियों थोड़ा सा गौर से देखिए तीन प्लस करी में सात अपान तीन माइनस चार करी में सात बराबर सी प्लस डी करी में सात हो तो है तो सी प्लस डी का मान क्या होगा तो प्यारे साथियों अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार से प्रश्न दिख जाते हैं तो आपको परिकरण कराना होगा और इसके जैसा बनाना होगा तब तुलना कराएंगे तब हमारा वह मान आ जाए तो आइए करते हैं उसको तो परिकरण कराने के लिए पैर साथियों क्या करेंगे अंश एवं हर दोनों में यानी कि जो हर में दिया रहता है उसके चिन्ह को विपरीत करके यानी कि अंश एवं हर में गुणा करें देखिए तीन माइनस चार तीन माइनस चार करी में सात है न? तो तीन प्लस चार करी में सात से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे यानी लिखेंगे तीन प्लस करड़ी में सात यानी गूड़ा कराएंगे प्यारे साथियों तीन प्लस चार करड़ी में सात और यहाँ पे प्यारे साथियों क्या लेंगे क्या यहाँ पे हम तीन माइनस चार करड़ी में सात है तो गूड़ा देखिए हर को देखते ही परमाकरण कराते हैं तीन प्लस चार करड़ी में सात से गुड़ा करा देंगे या सी प्लस डी करड़ी में क्या लिखेंगे सात लिखेंगे समझ यानी हर को देखेंगे और हर का चिन्ह विपरीत कर देंगे और यहाँ पे तो तीन चौक कितना, तो कितना बारह करी में सात हो जाएगा कर लीजिए प्लस तीन करी में कितना हो जाएगा सात हो जाएगा सात का गुणा तीन करी में सात हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे सात 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 सौ कितना हो जाएगा प्लस अट्ठाईस देखिए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो ए का स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा और माइनस चार का स्क्वायर सोलह सोलह कड़ी में सात कड़ी में सात है ना तो कड़ी से बाहर निकल जाएगा सोलह सात कितना हो जाएगा एक सौ बारह एक सौ क्या हो जाएगा बारह हो जाएगा बराबर सी प्लस डी करड़ी में कितना हो जाएगा सात हो जाएगा एक स्टिप्ट तो होगा अब देखिए करड़ी में बारह यानी कि बारह आई देखिए बारह करड़ी में सात प्लस तीन करड़ी में सात है इन दोनों को एक में जोड़ लेंगे इसको इसको एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नौ आठ यानी कि सैंतीस हो जाएगा देखिए अट्ठाईस नौ सैंतीस प्लस कितना होगा बारह तीन कितना हो जाएगा पंद्रह करणी में सात अब बट्टा में प्यार जाती हो जाएगा इसमें से कटा दीजिए बारह में से नौ जाएगा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच्चा प्यारे साथियों यहाँ पे एक हासिल दे दिया दस हुआ है ना बात समझिए तो कितना हो जाएगा प्यार साथियों तिरानवे हो जाएगा ए, एक जाएगा. ए, एक सौ तीन हो जाएगा सॉरी एक सौ बारह में से नौ को घटाएंगे तो एक सौ तीन होगा और भी किस में होगा माइनस में होगा बात समझ में आएगा नहीं आया बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस डी करणी में कितना जगह पैर छात्रियों सात हो जाएगा अब यानी कि सैंतीस के नीचे भी एक सौ तीन है वो भी माइनस में और पंद्रह करणी में सात के नीचे भी माइनस एक सौ तीन है बात समझिएगा तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं एकदम तो सिंपल तरीके से कर देते हैं यानी कि प्यारे साथियों थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि सैंतीस बटे माइनस में एक सौ तीन प्लस है यहाँ पे इसके बाद इसको लिखेंगे प्यार साथियों चाहे तो यह माइनस में दिया ना इसको ऊपर भी हम कर सकते हैं माइनस को यहाँ माइनस में एक सौ तीन आया नहीं है तो इसको ऊपर में कर सकते हैं पैर साथियों यानी यहाँ पे हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सैंतीस बटे एक सौ तीन यहाँ पर प्लस न करके यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह बटे एक सौ तीन करड़ी में सात ऐसे लिखेंगे अब बराबर सी प्लस डी आकरी में क्या हो जाएगा सात हो जाएगा अब तुलना करा देंगे सी का मान कितना यहाँ से सी सी इसका मान हो जाएगा और डी का मान यहाँ हो जाएगा तो प्राप्त गया नहीं होगा तुलना करा दिए हैं तो प्राप्त तुलना कराएंगे प्यार साथियों तो सी का मान मिला कितना माइनस सैंतीस बटे एक सौ तीन और डी का मान मिला प्यार साथियों माइनस में कितना पंद्रह में एक सौ तीन प्राप्त हुआ तो क्या पूछा है सी प्लस डी का मान क्या होगा तो सी के जगह सी का मान D के जगह डी का मान जुड़िए तो माइनस सैंतीस बट्टे एक सौ तीन और प्लस यहाँ पे माइनस पंद्रह बट्टे एक सौ तीन तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा सात पाँच बारह तीन एक चार एक पाँच बट्टे एक सौ तीन अभी माइनस में क्या हो जाएगा माइनस एक सौ बावन बटा एक सौ तीन तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि विकल्प नंबर बी आपको समझ में आया है माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा भी सवाल नहीं है आप लगा सकते हैं क्योंकि छुटकी में सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में अच्छे तरीके से आया अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर बीस है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है थोड़ा देखिए क्या दिया है कि करड़ी में सात प्लस करी में छः एक कोष्टक में है करी में सात माइनस करड़ी में छः एक कोष्टक में प्लस दो सौ का मान क्या होगा कभी भी प्यारे साथियों इस प्रकार से प्रश्न दिख जाए तो आप क्या करेंगे देखिए अगर हम क्या करते हैं करणी में सात की जगह ए मान लें इसके जगह बी मान लें इसके जगह ए मान लें इसके जगह बी मान लें तो आपको क्या बनेगा ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी एक क्वेश्चन में तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाई देखिए ए प्लस बी एक क्वेश्चन में और ए माइनस बी एक क्वेश्चन में है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार करणी में सात प्लस करणी में छः करणी में सात माइनस करणी में छः है यानी कि लिखेंगे करणी में सात का स्क्वायर माइनस करणी में छः का स्क्वायर और प्लस है दो सौ है कि नहीं है तो ये देखिए करणी से स्क्वायर कटा करणी से स्क्वायर कटा यानी कि सात माइनस छः प्लस कितना है दो सौ यानी एक प्लस दो सौ यानी कितना हो जाएगा दो सौ एक हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर उम्मीद करते हैं विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा आपको समझ में आया है या प्रश्न नंबर बीस का सॉल्यूशन तो प्यारे साथियों आप लोगों तो को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे साथियों ठीक अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों लेते हैं अगले प्रश्न को यानी कि प्रश्न नंबर इक्कीस को प्यारे साथियों प्रश्न नंबर इक्कीस है आइए उसको तो हम विचार विमर्श करते हैं देखते हैं संख्याओं करड़ी में दो और क्या चार पे पावर एक बटे तीन पाँच पे पावर एक बटे चार तीन पे पावर एक बटे छ में सबसे छोटी संख्या है कौन सी सबसे छोटी संख्या अगर प्यारे साथियों इस प्रकार से अगर परीक्षा में आ जाता है प्रश्न या करड़ी के भीतर संख्या हो या किसी संख्या पे अगर पावर भिन्न के रूप में होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको डायरेक्ट तरीके से हल करना तो प्यारे साथियों आइए इसको बताते हैं लॉजिक क्या है किस प्रकार से बनेगा करड़ी में दो है ना तो करणी में दो है यानी कि दो का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल मूल्य जिसपे है तो एक बटे दो पावर लगा दीजिए चार है तो कितना पावर है एक बटे तीन दिया तो एक बटे तीन लिख देंगे पाँच है तो एक बटे चार है तो एक बटे चार लिख देंगे और तीन है प्यारेत्यू एक तो कितना जा? एक बटे छ है ये है सिंपल तरीके से तो क्या करेंगे पावर को पहले हम सेम बनाएंगे यानी कि हर जो दिया हर ना देखिए एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार एक बटे छ हर दो तीन चार छः का ले लेंगे एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो हो गया प्यारे साथ्यू बारह तो बारह से इसमें भी हम बूढ़ा करा देंगे बारह से इसमें भी गूढ़ा करा देंगे और बारह से इसमें भी बूढ़ा और बारह से इसमें भी गूढ़ा करा देंगे प्यार कर जाएगा दो छक्के बारह तीन चौको बारह चार तिहाई बारह छः दूनी बारह तो यानी मिलेगा क्या दो पे पावर छः तो दो पे पावर छः चार पे पावर चार चार पे पावर चार अब पाँच पे पावर तीन और तीन पे पावर दो तो दो पे पावर छह का मतलब क्या हो गया दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौंसठे चौसठ हैपन दो सौ छप्पन और पांच पे पावन तीन का मतलब क्या 125, तो तो एक सौ पचीस और तीन तीन की नौ तो बताइए चौसठ दो सौ छप्पन एक सौ पच्चीस और नौ में सबसे छोटा कौन नौ आई नौ मान किसका आया है तीन पे तीन पर पावर एक बटे प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि अगर कोई किसी पे पावर फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में है और बड़ा छोटा पहचानना है तो सबसे पहले उस पावर को भिन्न वाले पावर को पूर्णांक के रूप में बदलते हैं चाहे करड़ी के भीतर हो चाहे सिंपल तो इसी प्रकार से है तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि यह प्रश्न नंबर 21 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर नंबर बाईस आपके सामने है क्या है यदि संख्या इतने में यानी क्वेश्चन मार्क लगाया है ठीक ना तीन से विभाज्य है तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा आपको बताना है ये पूरी संख्या तीन से विभक्त है तो प्यार छात्रियों आप बताइए तीन से विभाजता का नियम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं समस्त अंकों का योग अगर तीन से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी तीन से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी तो समस्त अंकों का योग तो लीजिए प्यार साथियों क्या दिया है इक्यावन बत्तीस इकतालीस छिया तो जोड़ लीजिए पाँच एक छः तीन नौ नौ दो ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह एक सोलह सोलह छः बाईस हुआ यहाँ पर जोड़े हैं पैर छात्रियों तो कितना हो जाएगा बाईस हुआ है योग क्या हुआ है योग यानी कितना हुआ है बाईस हुआ है अब बताइए यानी इस बाईस में अब किसको जोड़ें यानी कि किसको जोड़ें किस अंक को जोड़ेंगे वो भी बड़ा से बड़ा अंक कि वह तीन से कट भी जाएगा मतलब कि जोड़ने पे तीन से वो कट जाए तभी तो पूरा अंक तीन से भी होगा तो ऑप्शन का सारा ले लेंगे क्या नौ जोड़ेंगे तो बाईस नौ कितना इकतीस बाईस नौ इकतीस क्या इकतीस तीन से कटेगा तो नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी तीन से नहीं कटेगा यानी ऑप्शन डी नहीं होगा सात ले लेंगे बाईस सात कितना देगा उनतीस तीन के पारा में उनतीस आता है नहीं आता तो सात सी भी नहीं होगा छः को मान लीजिए ले लेते हैं तो बाईस छः कितना अट्ठाइस तीन के पारा में अट्ठाइस आता है नहीं आता है साथियों इसलिए विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा क्योंकि जब में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा और से कटेगा इसलिए पूरी संख्या भी तीन से कट जाएगी यह पूरा आपको उम्मीद करता हूँ कि यह पूरा चीज आपको क्लियर समझ में आया है बात समझिए इनको जोड़ें तो कितना है बाईस आया तो बाईस में किसको जोड़ा कि तीन से कटेगा तो बाईस में हम बाईस के बाद कौन सी संख्या जो तीन से कटेगा सत्ताईस होती है चौबीस होती है सत्ताईस होती है बाईस के बाद बाईस के बाद देखिए बाईस है तो बाईस के बाद चौबीस चौबीस के बाद सत्ताईस सत्ताईस के बाद क्या होती है तीस होती है है ना तीस होती है यही संख्या तीन से क्या होती है कटती है पैंसठ लेकिन बाईस में कितना जोड़ा कि चौबीस हो जाए तो आप कहोगे दो और सत्ताइस होने के लिए पाँच और तीस होने के लिए आठ है ना तो लेकिन सबसे बड़ा से बड़ा अंक पूछा है तो क्या हो जाएगा पैसा आठ हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न नंबर बाइस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ है अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर तेईस आइए तेईस नंबर सवाल सकते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं संख्याएँ छबंध ग्यारह के अनुपात में हैं यदि इनका लसो चार सौ बासठ हो तो इनका मौसम है तो प्यारे साथियों पहले आइए हम इसको सॉल्व करते हैं दो मेथड से बताएंगे तो पहला मेथड देखिए प्यारे साथियों हम जानते हैं लसो में अगर लसों में अगर भाग देंगे हम ध्यान से देखिएगा पहली संख्या से छः से हम भाग देते हैं दो संख्या की बात है तो एक संख्या निकलिए पहली संख्या निकल जाएगा तो इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा सतहत्तर बार में कट जाएगा कितने पहली संख्या सतहत्तर हो जाएगी समझिए अगर दूसरी संख्या निकलना हो तो दूसरी की संख्या से भाग देंगे चार में हम ग्यारह से भाग दे देंगे तो कितने बार में कटेगा बयालीस बार में कटेगा प्यालीस साथियों तो कितना हो जाएगा बयालीस हो जाएगा यानी ध्यान से समझिएगा और बात बा, समझिएगा छोटी संख्या या छोटा छोटा अनुपात है बड़ा अनुपात है छोटा अनुपात से भाग देते हैं तो बड़की संख्या निकलती है छोटा अनुपात से भाग देते हैं तो बड़की संख्या निकलती है और बड़का अनुपात से भाग देते हैं तो छोट संख्या निकलती है यानी संख्या हमारे पास क्या मिल गई सतहत्तर और बयालीस गई अब सतहत्तर और बयालीस का क्या निकल लीजिए एकदम आराम से निकाल सकते हैं लिखेंगे सतहत्तर को क्या ले सकते हैं सात गुड़े ग्यारह बयालीस को क्या ले सकते हैं प्यारे साथियों सात छात्र बयालीस यानी कि सात गुड़े तीन गुड़े दोनों लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो मौसो या सी एफ मतलब क्या जो दोनों में मिले तो दोनों में क्या मिला सात मिला तो इसलिए प्यारे साथियों सात हो जाएगा हमारा राइट आंसर यानी कि यानी कि विकल्प नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इसको से बनाते हैं। बनाने का तरीका अगर अनुपात है। में तो डायरेक्ट वह संख्या प्राप्त हो जाती है तो मान लीजिए प्यारे साथियों माना मौसम क्या है यक्ष है माना मौसम क्या है मान लीजिए मौसम कितना है प्यारे साथियों कितना है यक्ष है किसी के कोई अनुपात दिया है तो छ अनुपात ग्यारह दिया है ना इसमें अगर हम मौसों से डायरेक्ट गुड़ा सक्राते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाती है माना की संख्या क्या है यक्ष है तो दे दीजिए तो पहली संख्या क्या हो जाएगी छ यक्ष मान लेते हैं और दूसर की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास ग्यारह यक्ष हो जाएगा तो प्यारे साथियों आप बताइए एक सूत्र आप जानते हैं क्या जानते हैं बचपन से ये एक सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लो सौ गुड़े मौसो होता है यानी कि ध्यान से समझिएगा पहली संख्या गुड़े, दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू होता है यच सी एफ होता है। तो पहली संख्या क्या है छे ग्यारह यक्स बराबर लौ सौ कितना है चार सौ बासठ गुड़े सी एफ कितना पैर जाती हूँ यक्स तो यक्ष से एक यक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा पैर जाती हूँ अब ग्यारह छः कितना हो जाएगा यक्स बराबर क्या बचेगा तो चार सौ बासठ बटा छः गुड़े कितना देगा ग्यारह तो काट दीजिए ग्यारह से इसको काटेंगे तो कितने बार से काट ग्यारह चौको चौवालीस ग्यारह दूनी बाईस और छह सत्य कितना देगा बयालीस यानी कि यक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया साथ प्राप्त हुआ इससे भी लगाएंगे तो प्यारे साथियों साथ ही आंसर आएगा यानी विकल्प नंबर डी आएगा उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड से आपको समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है आपको एक बात जानना है प्यारे साथियों आएगा है ना थोड़ा देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है यहाँ पे काटने वाली बात यहाँ से देखिए दिखाई नहीं दिया तो यहाँ से यहाँ बता दिया जाता है एक देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ना छः से काटा किसको चार सौ बासठ को तो बयालीस बार में कटेगा सॉरी सॉरी से काटे हैं ग्यारह से काटे हैं छः को बयालीस बार में कटेगा छह सत्य बयालीस यानी कि एक से बराबर कितना आ जाएगा साथ आ जाएगा उम्मीद करते हैं कि इस इस मेथड से भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा है ना आइए हम अपने कर्मी को आग हैं। लेते हैं बोले तो क्या अभाज्य संख्या है यदि बड़े भाई का उम्र तेईस वर्ष हो तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है तो प्यारे साथियों ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आप क्या कीजिए विकल्प का सहारा लीजिए अगर प्यारे साथियों कहा है दोनों का उम्र का योग और अंतर दोनों ऋण संख्या होनी चाहिए ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए चलिए आठ को मान लीजिए लेते हैं तो आठ बाईस प्लस आठ कीजिए और एक बार बाईस माइनस आठ कीजिए देखिए तो बाईस आठ कितना हो जाएगा इकतीस और बाईस में से आठ सॉरी बाईस नहीं तेईस आठ कितना जाएगा इकतीस आ तेईस में से आठ को घटे क्या हूँ तो पंद्रह आठ तेईस हो जाएगा बात समझिए पंद्रह आ इकतीस तो अभाज्य है रूढ़ संख्या है लेकिन पंद्रह है नहीं है यानी कि विकल्प नंबर ए नहीं होगा अब पैसा साथियों हम किसको ले लें अब हम ले किसको लें अब भी बी भी विकल्प को लेते हैं बी को लेके ले चेक कर लीजिए आप देख लीजिए एक बार बी को बारह ले लेते ले ले हैं जोड़िए बारह को अब बारह को घटाइए तब बारह कितना हो जाएगा पैंतीस नहीं हो जाएगा पैंतीस यहाँ पे पैंतीस हो गया पैंतीस भी बताइए पैंतीस आभार संख्या है तो वैसे बारह नहीं ले पाएंगे हम उसके बाद किसको लेंगे अट्ठारह को लेंगे तो चलिए अब अट्ठारह को ले लेते हैं तो देखिए तेईस में से आठ जोड़िए अठारह को जोड़िए तो कितना हो जाएगा इकतालीस होगा देखिए आठ दो दस की ग्यारह और दो एक तीन एक चार और तेईस में से अट्ठारह को घटाइए तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा इकतालीस तथा पाँच दोनों कैसी संख्या है ऋण संख्या है इसलिए मैं प्यारी चाहती विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा इक्कीस को लेंगे तो भी नहीं आएगा ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप क्या कीजिए आप विकल्प का इस्तेमाल कीजिए सवाल को सॉल्व कर दीजिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रश्न का नेचर आपको समझ में आया कि नहीं है कहा है कि एक भाई तेईस वर्ष का है तो दूसरा भाई कितने वर्ष का होगा लेकिन उनके उम्रों का योग और उम्रों का अंतर एक क्या होनी चाहिए ऋण संख्या होनी चाहिए और ऋण संख्या बोले तो प्यारे साथियों आभास संख्या होनी चाहिए अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं पच्चीस नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर पच्चीस है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग अड़तालिस हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापित नहीं होगा पता करना है कि कौन इसका अनुपात नहीं होगा तो प्यारे साथियों ज्ञान दीजिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि अनु संख्याओं का योग हमेशा अनुपाती योग से कटेगा तो अनुपात होगा अगर अनुपाती योग से नहीं कटेगा तो अनुपात कदापित नहीं हो सकता बात समझिए यह योग है कि नहीं है संख्या का योग कितना अड़तालीस है अगर यहाँ बात करेंगे पहला पहला विकल्प की बात करें ई कि तीन अनुपात पाँच क्या हो सकता है तो जोड़ लीजिए तो पाँच तीन कितना हो जाएगा आठ होगा तो बताइए योग में आठ हुआ अनुपातों का योग कितना हुआ आठ हुआ आप रियल में योग कितना दिया अड़तालीस तो कहा आठ के पहाड़ा में अड़तालीस आएगा आएगा कि नहीं आएगा आठ छः का अड़तालीस इसलिए प्यारू विकल्प नंबर ए यानी कि नहीं होगा क्योंकि पूछा नहीं होगा कदापित नहीं हो ये तो हो रहा है कट जाए तो होगा और नहीं कटेगा तो नहीं होगा ये कट इसलिए विकल्प नंबर ए नहीं सही है अब सात पाँच कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा क्या बारह के पहाड़ा में अड़तालीस आएगा तो आराम से कट जाएगा प्यारी शक्ति इसलिए इनकी अनुपात सही है लेकिन कौन नहीं हो सकता है तो यह नहीं हो सकता है प्यारी शक्ति बात समझिए छः दो कितना होगा आठ होगा आठ के पहाड़ा में भी आएगा और पाँच दो कितना होगा सात के क्या सात के पहाड़ा में अड़तालीस आएगा नहीं आएगा तो नहीं आया तो अनुपात इसका यह संभव नहीं होगा यानी कि कदापि नहीं हो यानि पाएगा यानी विकल्प नंबर डी की क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया आपको समझ में आया नहीं है पुनः बता दे पुनः सब देखिए योग कितना दिया अड़तालीस दिया है अब क्या कॉमन अनुपात नहीं हो सकता है आ देखिए तीन अनुपात पास हो जाएगा अनुपात सात हो जाएगा दो अनुपात छः हो जाएगा लेकिन दूसात पाँच नहीं होगा क्यों नहीं होगा इनको जोड़िए तो अगर जोड़ने पर उससे भाग चला जाएगा भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो होगा और भाग पर पूरा पूरा नहीं जाएगा तो नहीं होगा अब प्रश्न क्या पूछा उसके हिसाब से आप उत्तर जरूर दे देंगे अगर इस प्रकार से प्रश्न आता तो आप परीक्षा में सॉल्व कर ले जाएंगे प्यारे साथियों अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि छब्बीस प्रश्न नंबर छब्बीस है यन के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक होगा यानी प्यारे साथियों बात समझिए इन ऑप्शन में अगर यन् के जगह एक हम विषम संख्या रखें तो किस ऑप्शन का मान एक सम संख्या प्राप्त होगा उसको हमको चेक करना है तो यह तो चेक करना ही पड़ेगा प्यारा साथियों अगर प्यारे साथियों के जगह हम क्या क्या रख सकते हैं एक रख सकते हैं तीन रख सकते हैं पाँच रख सकते हैं सात रख सकते हैं कुछ भी रखें एक विषम संख्या को रखना है तो मान लीजिए प्यारे साथियों हम इस एक ऑप्शन में यहाँ पे रखते हैं यानी कि इसमें हम यन के जगह मतलब एक रख दें या तीन रख देते हैं प्यारे साथियों तीन रखिए रखी है ना तीन रखिए तो हम बताइए तो तीन बुढ़े तीन माइनस आठ हुआ तो तीन तिरी नौ माइनस आठ बराबर कितना प्राप्त हुआ एक प्राप्त हुआ नहीं हुआ तो आप बताइए प्यारे साथियों क्या एक हमारा सम संख्या है नहीं है तो क्या विकल्प नंबर ए सही होगा नहीं यानि कि किस विकल्प में हम एन के जगह एक विषम संख्या रखें तो उसका रिजल्ट जो है प्यारे साथियों क्या हो एक पूर्णांक हो है ना तो एक नहीं आया तो इसको लेंगे नहीं लेंगे अब इसमें हम बात करते हैं प्यारे साथियों अगर य के जगह हम एक रखें कुछ भी रखिए विषम संख्या रखनी चाहिए बस एक जानी चाहिए बीषम संख्या होनी चाहिए तो अगर ये जगह हम क्या छो एक रखते हैं तो क्या हो जाए पाँच गुड़े एक का स्क्वायर प्लस में चार बराबर एक का वर्ग एक पाँच एक कन्ने पाँच चार नौ आप बताइए नौ एक सम संख्या है का नहीं है यह भी विकल्प नहीं होगा अब प्यारे चाहती हम ले लेते हैं इस विकल्प को अगर इसके जगह भी हम एक रखते हैं तो तीन बुढ़े एक का स्क्वायर एक ही रख देते कोई दिक्कत नहीं है एक का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा पाँच तो तीने करने तीन तो एक अन्य तीन एक का वर्ग एक तीन एक अन्य तीन पाँच दिन कितना हो गया आठ बताइए सम होगा कि नहीं होगा होगा यानी विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें भी रखेंगे एक तो कोई दिक्कत नहीं है एक का वर्ग एक तो चार एक कन्या चार पाँच चार न हो जाती हमारा विषम विषम आया तो विषम कि विषम नहीं है केवल सी में यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक का रखेंगे तब आएगा देखिए यहाँ पे तीन भी रख लीजिए तीन भी रख के हम चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन इस में तीन गुड़े तीन का स्क्वायर और प्लस कितना जाएगा पाँच तो तीन का स्क्वायर कितना नौ नौ तरीके सत्ताइस सत्ताईस प्लस पाँच कितना जाएगा बत्तीस हो जाएगा देखिए बत्तीस हमारा एक सम संख्या है यानी कि विकल्प नंबर सी ही होगा कि इसमें हम यन के जगह एक विषम संख्या रखेंगे तो इसका पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा सम संख्या होगा तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको छब्बीस एक अच्छे तरीके से समझ में आया है अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं सत्ताईस नंबर के प्रश्न प्रश्न नंबर सत्ताइस है काजल एक घंटे में एक किताब का एक तिहाई भाग पढ़ती है काजल एक घंटे में एक किताब का एक तिहाई भाग क्या करती है पढ़ती है वह किताब को दो से एक बटे पाँच घंटे पढ़ती है तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचेगा? बात समझिए एक घंटा में एक घंटा में वो किताब का कितना भाग पढ़ती है पढ़ती है एक बटे तीन भाग पढ़ती है बात समझिएगा बात समझिएगा तो दो से एक बटे पाँच घंटे में दो से एक बटे पाँच घंटे का मतलब क्या होगा पाँच गुना दस एक ग्यारह बटे पाँच यानी कि ग्यारह बटे पाँच घंटा में कितना पढ़ेगी एक घंटा में एक तिहाई यानी एक बटे तीन भाग तो ग्यारह बटे पाँच घंटा में एक बटे तीन अगारह बटे कितना पांच। हो जाएगा पाँच भाग होगा कि नहीं होगा होगा ना तो अब इसका गूढ़ा करा लीजिए प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा ग्यारह का ग्यारह ग्यारह पच्चीस, ग्यारह का नहीं ग्यारह तीन पर्ची पंद्रह यानी कि कितना हो जाएगा ग्यारह बटे पंद्रह भाग पढ़ तो शेष निकालने का तरीका आपको बताया गया है क्या होता है ग्यारह बटे पंद्रह भाग पढ़ ली तो शेष शेष निकालना है तो शेष बचा भाग शेष भाग तो क्या होगा शेष भाग निकालना है तो घटा दीजिए शेष भाग निकालना हो तो क्या करना है घटाना है किससे घटाना है पंद्रह में से ग्यारह घटाना है तो पंद्रह माइनस ग्यारह और बटे कितना पंद्रह यानी कि ग्यारह में से सॉरी पंद्रह में से ग्यारह गया यानी कि चार बटे पंद्रह भाग अभी शेष रह जाएगा पढ़ने के लिए तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ध्यान से समय शेष निकालना हो तो कैसे निकालेंगे यानी यानी पंद्रह में से पंद्रह में से ग्यारह को घटा देंगे तो कितना बचेगा चार बटे पंद्रह भाग अभी शेष रह जाएगा यानी कि विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर तो प्यारे साथियों शेष इसी प्रकार से निकाला जाता है आपको बता दिया गया है अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चाचा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं अट्ठाइस नंबर प्रश्न नंबर अट्ठाइस है यदि एक संख्या से एक बटे दो घटाया जाता है और तत्पश्चात एक बटे दो से गुणा किया जाता है तो संख्या एक बटे आठ में बदल जाती है तो वह संख्या है तो माना वह संख्या यक्ष है प्यारे साथियों लिख सकते हैं माना वह संख्या क्या है वह संख्या क्या है प्यारे साथियों यक्ष है नहीं पता तो मान लेते हैं माना वह संख्या क्या है है यह प्रश्न कहाँ है कि यक्ष में से ध्यान से समझिए एक बटे दू घटाया जाता है और तत्पश्चात एक बटे दू से क्या किया जाता है गुणा किया जाता है तो कितना प्राप्त हो जाता है एक बटे आठ प्राप्त हो जाता है बात समझिए संख्या संख्या से संख्या क्या माने यक्ष एक बटे दू क्या हो जाता है घटाया जाता है तो एक बटे दू घटाया तत्पश्चात जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें एक बटे दू से क्या कराए गुणा तो संख्या क्या प्राप्त हुआ है एक बटे आठ प्राप्त हुआ तो वह संख्या क्या अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों बड़ा अच्छा सवाल है कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों इसका गुणा इन दोनों में करा देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स का गुणा एक बटे दो में तो कितना तो यक्स का गुणा एक बटे दो में तो यक्स बटे दो हो जाएगा माइनस एक बटे दो एक बटे एक बटे दो का गुणा एक बटे दो में करेंगे तो एक बटे चार बराबर एक बटे कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा अब इसको हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यक्स बटे दो बराबर एक बटे आठ प्लस एक बटे कितना हो जाएगा चार अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे यक्स बटे दो बराबर लौसा लेंगे तो आठ हो जाएगा आठ एक कन्ने आठ आ चार दूनी कितना आठ हो जाएगा तो यक्स बटे दो बराबर कितना हो जाएगा दो एक कितना हो जाएगा तीन बटे आठ तो दो एक कन्ने दो चौक को आठ तो यक्स बराबर कितना तीन बटे कितना हो गया चार तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया है यक्ष का मान कितना होगा तीन बटे चार तो देखिए यानी विकल्प नंबर ए राइट एन समझेगा तीन बटे चार दिया कुछ है नहीं प्रश्न नंबर अट्ठाईस में कुछ है नहीं बस आपको प्रश्न देखने को बड़ा लग रहा है देखने से क्या बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है प्यारे साथियों कंसेप्ट की ओर चलें प्रश्न क्या कहता है उसको विशेष तौर से समझें है ना उम्मीद करते हैं साथियों यह भी प्रश्न आपको 28 नंबर समझ में आया अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर उनतीस है देखिए बड़ा अच्छा सवाल है यूपी टेट और सी टेट में अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं तो आइए साथियों इसको मात्र हम पाँच या छः सेकंड में कैसे हल करेंगे आ, बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन के मेथड से आइए अब इसको सीखते हैं दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग नौ है दो अंकों की कोई संख्या अंकों का योग क्या है नौ है यदि संख्या में सत्ताईस जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या है ताकि दो अंकों की कोई संख्या उनका योग न है तो ऑप्शन में देखिए सारा के सारा चौवन है सत्ताईस है तिरसठ या छत्तीस है तो पाँच चार नौ सात दो नौ छः तीन नौ छः तीन नौ यानी कि पूरे का योग न हो रहा है लेकिन क्या आप बताइए कि चौवन में हम सब सत्ताइस को जोड़ेंगे तो कितना होगा चौवन का क्रम उल्टा आएगा क्या चौवन का क्रम उल्टा करेंगे तो कितना आएगा पैंतालीस देखिए इनका उल्टा करेंगे तो कितना आइए पैंतालीस आना चाहिए इसका उल्टा होगा तो कितना हो जाना चाहिए बहत्तर होगा इसका उल्टा कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा इसका उल्टा कितना हो जाएगा तिरसठ हो जाएगा बात समझिएगा प्यारे साथी में लेकिन कब सत्ताईस जोड़ने पर सत्ताइस क्या करने पर जोड़ने पर क्रम को उल्टा आ जाना चाहिए देखिए क्या होता है सत्ताईस में चौवन को जोड़ दीजिए सत्ताइस में चौवन को जोड़ेंगे तो सात चार ग्यारह यानी कि इक्यासी हो गया प्यार साथियों क्या यह क्रम उल्टा आया आना चाहिए पैंतालीस लेकिन आ गया इक्यासी तो क्या ऑप्शन एक होगा नहीं होगा अब बताइए सत्ताईस में सत्ताईस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा चौवन तो सत्ताईस का उल्टा करेंगे तो प्यारे साथियों आना चाहिए बहत्तर आया है चौवन क्या बी ऑप्शन होगा तो बिल्कुल नहीं होगा अब तिरसठ में सत्ताईस को जोड़िए प्यारे साथियों तो कितना आ सात तीन दस छः दो आठ कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा प्यारे साथियों तो क्या आप बताइए गौर से बताइए क्या तिरसठ का क्रम उल्टा करेंगे तो नब्बे आएगा नहीं कितना आएगा छत्तीस आएगा अब इसको देखिए छत्तीस का क्रम उल्टा करेंगे तो आ कितना आएगा तिरसठ आएगा छत्तीस में सत्ताईस को जोड़ेंगे प्यार साथियों कितना प्राप्त होगा तिरसठ प्राप्त होगा देखिए सात छः तेरह तीन पाँच एक छो तो क्या यह दोनों मैच किए नहीं किया देखिए दोनों ही हम मैच किए नहीं किया मैच किया तो इसलिए हम कह सकते हैं विकल्प नंबर डी राइट आंसर है प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न नंबर उनतीस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है अब आइए हम अपने कर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेते हैं इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर साथियों इस वीडियो लेक्चर का सबसे अंतिम सवाल यानी कि जो हमारा 2013 का पेपर है उसका आखिरी सवाल है क्या थोड़ा गौर से देखेंगे एक धन दो धन तीन धन डे ड दस तक का है यानी कि एक से दस तक के प्राकृतिक संख्या का योग में से पचास को घटाइए का मान क्या होगा यही पूछा तो प्रथाथियों आप जानते हैं जब कोई सीरीज दीती है सा, समांतर श्रेणी में होती है उनके बीच अंतर समान होता है तो उनका योग करने का तरीका क्या होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुड़े कुल संख्या कुल पद प्रथम योग अगर प्यारे छियों समांतर श्रेणी में है तो योग बराबर सूत्र लग जाएगा यानी कि कोई सीरीज है उनके बीच अंतर समान है प्यार छत्रियों तो उनका योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद यानी ये प्रथम प्लस अंतिम अंतिम अब बटे में क्या होगा दो अब गुणा करा देंगे कुल पद से कुल किसी पद से चलिए इसी सूत्र पे हम लगा देंगे यानी कि प्रथम पद क्या है अब जान दीजिए मान निकालने हैं प्रथम पद क्या है एक है अंतिम पद क्या है दस है किससे भाग करेंगे दो से अब अगुड़े किससे गुड़ा करेंगे दस से होगा एक से दस तक कौन संख्या होगा दस होगा अब माइनस इसमें कितना करना है पचास करना पैसा कर लीजिए दो से काटिए कौ बार में कटेगा पाँच बार में कटेगा दस एक ग्यारह ग्यारह पचास कितना हो जाएगा पचपन माइनस पचास यानी कितना हो जाएगा पैसा पाँच यानी विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको तीस नंबर का प्रश्न जो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है तो प्यारे साथियों आप लोगों के लिए यह दो का पेपर क्वेश्चन पेपर है जो गणित का है 30 प्रश्न आता है वह सीलियर से सॉल्व कर रहे हैं विथ एक्सप्लेन के द्वारा तो प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर नए वीडियो लेक्चर के साथ और दो के नए प्रश्न पत्रों के साथ जो आपको परीक्षा में ज़्यादा सहयोग करेगा तो आइए प्यारे साथियों तब तक के लिए धन्यवाद